हाजरीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर अपनी पार्टी हिंद एहतमाम सपोर्ट टंगमर्ग मवमी रबत मुहिम मुहिम तहत अक कन्वेंशन सज अपनी पार्टी हिंद नायब सदर गुलाम हसन मीरन लुक जलसस खिताब करान वरी जुवुच याद ताज कर तमि वक्त आव गिरफ्तार सपदमित नौजवान हिज रिहाई बाप अपनी पार्टी तरफा कलीदी रोल वर्त पहल कर यह जन युमिलन हिंद मेव तमि वक्त मुल्क चंद रियात मज सोजन बाप अपनी पार्टी तरफ इंतजामिया अपील कर मेव सनद बचा सटा कोशिश करना आई गुलाम हसन मीरन अत मौक पे इंतजामिया पे जोर दिवान वो तम ग आम लूकन दहशत गर्द समझने बजाय मिलिटेंसी पे रोट लागने बाप जमीन सुथरस पे काम करें गुलाम हसन मीरन दुत अत मौक पे अवामस खिताब कर अपनी पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाप पन किरदार वरतानस पे जोर अत मौक पे पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी मुंतजर मोहिद्दीन त मौजूद देखिए जो हालिया पार्लियामानी इंतखाबत हो गए थे उस वक्त हमारा बारामूला पार्लियामानी हलके में अपना उम्मीदवार नहीं था। हमने सपोर्ट किया था और मैं ये मान के चलता हूँ कि उस पार्टी को उस कैंडिडेट को जिस तरीके से हमने कोशिश की थी उसको सपोर्ट मिले नहीं मिला, लोगों ने नहीं किया। इस सिलसिले में अपने कार्डर में कुछ मुझसे मिलने से कतराते थे, कुछ शर्मदा फील कर रहे थे, तो मैंने कहा जरा आ जाओ आज हम बैठेंगे बातचीत करेंगे क्या हाल चाल है। तो आपने खुद देखा कि हमारी पार्टी अपनी जगह पे कायम दायम ताकतवर है। दे फाइट चूंकि उस वक्त अपना उम्मीदवार नहीं था तो इन्होंने जज्बात पर काबू ही पा लिया, उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी में मजबूत है और इंशाल्लाह आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें अपनी पार्टी पूरे भरपूर ताकत से मैदान में आएगी। फ्रॉम द वेरी डे आपको ये सवाल क्यों पूछना था, जब मैंने आप में ऊन विल यही लिखा आई होप ही विल बी रिलीज्ड सो दैट ही कैन रिप्रेजेंट पीपल ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द पार्लियामेंट एज वेल एज आउटसाइड द पार्लियामेंट। व्हाट आई से आई मीन इट।